नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर आगरा से है, जहां संकल्प सेवा संस्था एवं कुशवाहा युवा मंच के संयुक्त तत्वाधान में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन मिलन वाटिका खेरिया मोड़ पर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने माता सावित्रीबाई फूले को माल्यार्पण करके किया। तदोपरांत कुशवाहा युवा मंच एवं संकल्प सेवा संस्था के सभी सदस्यों ने पुलवामा के शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्तदान शिविर में प्रथम रक्तदान कुशवाहा युवा मंच की महिला सदस्य श्रीमती सरिता कुशवाहा ने अपने जीवन का प्रथम रक्तदान कर रक्तदान जागरूकता का उत्कर्ष उदाहरण पेश किया। इसी के साथ कुशवाहा युवा मंच के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। शिविर में कुल 44 यूनिट रक्तदान हुआ। शिविर के दौरान संकल्प सेवा संस्था के अध्यक्ष ब्रजेश पंडित ने लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया एवं इससे होने वाले लाभ एवं महत्व को समझाया। कार्यक्रम का सफल संचालन संकल्प रक्तदान के महामंत्री दीपक कुशवाहा ने किया एवं सभी रक्तदान वीरों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ जन कल्याण चैरिटेबल ब्लड बैंक की टीम को भी धन्यवाद दिया। प्राइम न्यूज 24 के लिए आगरा से सलामुद्दीन अब्बासी की खास रिपोर्ट। मेरा नाम ब्रजेश पंडित, अध्यक्ष संकल्प सेवा संस्था। संकल्प के प्राण रक्षा अभियान के तहत हम लोग आगरा शहर और आगरा ग्रामीण में रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं विभिन्न संस्थाओं के साथ, और ऐसे लोगों की रक्त की सहायता करते हैं जिनको जीवन बचाने के लिए कोई रक्त देने वाला नहीं। संकल्प में लिए प्राण नहीं जाएगी, रक्त के अभाव में कोई नहीं। आज उसी श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ मिलन वाटिका में आगरा के कुशवाहा युवा मंच के साथ ही संकल्प सेवा संस्था ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। भारी संख्या में कुशवाहा युवा मंच के लोगों ने हमारे साथ रक्तदान किया है और अभी चल रहा है। मेरी आपके प्रदर्शित मीडिया के माध्यम से आगरा शहरवासियों से अपील है कि रक्तदान के प्रति जागरूक और जहाँ भी रक्त की आवश्यकता हो किसी भी माध्यम से संकल्प को संपर्क करें। संकल्प का रक्त आगरा के 6 ब्लड बैंकों में सुरक्षित रहता है। उसका कारण ये रहता है कभी कोई पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप एक ब्लड बैंक में अवेलेबल नहीं होता है। इस कारण से हम SN हॉस्पिटल ब्लड बैंक, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ब्लड बैंक, मानव सेवा चैरिटेबल ब्लड बैंक, पुष्पा मास ब्लड बैंक, जन कल्याण चैरिटेबल ब्लड बैंक में अपने रक्त को सुरक्षित रखते हैं और उन लोगों की मदद करते हैं जिनके रक्त के अभाव में जान जाते हैं। मुकेश कुशवाहा, आज मिलन वाटिका थी के मोड़ पर कुशवाहा मंच और संकल्प सेवा संस्था के संयुक्त रूप से हम लोगों ने यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। पुलवामा में शहीद हुए हमारे सैनिकों के श्रद्धांजलि देते हुए और आज भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोगों ने ये पुण्य का कार्य आयोजित किया है और लगभग काफ़ी संख्या में युवाओं ने इसमें भागीदारी अपनी की है और साथ ही साथ मातृशक्ति भी इस कार्य में हमारा योगदान कर रही है। महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उन्होंने भी रक्तदान किया है और मैं चाहता हूँ, मैं अपील करता हूँ आगरा के सभी युवाओं से और सभी लोगों से इस प्रकार के कार्यों को और बढ़ चढ़ करके अंजाम देना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति के अभाव में किसी के भी जान ना जाए। पूरे हिंदुस्तान में करीब 80 लाख के करीब जाए जाते हैं, 80 लाख के करीब लोग जाए और करीब करीब 30 लाख लोग जुड़े हुए हैं। पहले अपना नाम आज रक्तदान दिया आपने दिया है, इसे रक्तदान हाँ नहीं मैडम ने पहले कैंप में किया था। रक्तदान संकल्प के माध्यम से आई हूँ, संकल्प युवा कुशवाहा युवा मंच की सहायता से आज मिलन वाटिका में इन्होंने ब्लड कैंप लगाया है और हमारा टारगेट
32 के यूनिट हो चुका है, हम चाहते हैं इसको 50 के ऊपर लेकर जाए। और कभी किसी को ब्लड की आवश्यकता हो तो वो संकल्प के माध्यम से यहाँ से निःशुल्क ब्लड ले सकता है। हम चाहते हैं कि किसी की भी ब्लड के अभाव में हमारी किसी की भी जान ना जाए। तो संकल्प को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी, संकल्प को पूरी टीम को थैंक यू। मैं सज्जू कुमारी श्रीदेवी से हूँ महानगर से, और अब इस टाइम पे यहाँ संकल्प की सदस्य हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम सब लोग यहाँ जिस कार्य के लिए आए कार्य सफल हो, और अच्छे से अच्छे में जिन जिन लोगों को ब्लड की सहायता की जरूरत है, संकल्प की तरफ से उन सभी लोगों को ब्लड दिया जाता है। और जिन लोगों ने यहाँ पे आज इस कैंप की किए उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि उन लोगों ने हमें यहाँ आने का मौका दिया। और हम चाहते हैं आगे भी ऐसे ही कैंप लगें जिनमें गरीब लोगों के लिए, जिनमें पैसा नहीं है, जिनको जरूरत है, उन लोगों के लिए ब्लड की व्यवस्था की जाती है। और जहाँ चाहे वहाँ जिस कैंप में हम लोग अरेंज कराते हैं। फिलहाल अभी मेरे को इस संकल्प की तरफ से ही पड़ता है, वहाँ से मेरे को अवार्ड भी मिला है संकल्प की तरफ से। और मैं ही चाहती हूँ कि आगे भी संकल्प का नाम रहे और आप लोगों का सबका सहयोग रहे।